कुरुक्षेत्र में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने 48 कोस तीर्थ में सभी तीर्थों की मिट्टी को नमन किया और कहा कि यहां एक ही स्थान पर सभी तीर्थों के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 48 कोस के तीर्थों का निरंतर विकास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र देश ही नहीं दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान है। यहाँ जियो गीता संस्थान बनाया गया है, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ज्ञान मंदिर बनाया जा रहा है। निरंतर विकास हो रहा है, इस कार्य में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 48 कोस क्षेत्र का इसका वर्णन अभी हो रहा है। ये सब तीर्थ है, सब तीर्थों की मिट्टी अपने लिए पवित्र है। मैं सामने दर्शन कर रहा हूँ, सब तीर्थों की यह मिट्टी आई हुई है। मैं इस सब तीर्थों का यही इसी स्थान के ऊपर मैं नमन करता हूँ। इन सब चूंकि वैसे तो पूरे देश भर की मिट्टी हमारे लिए मातृभूमि, इस नाते से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन जिन स्थानों पर कोई ऐसी घटना विशेष हो जाए, कहीं महापुरुष विशेष का ऐसा स्थान बन जाए, वो स्थान अपने लिए और ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। तो ऐसे 48 कोस में जितने तीर्थ हैं वो सब अपने प्रेरणा स्थान हैं। उन स्थानों से पधारे पूज्य संतजन, वहाँ की समितियों के सभी पदाधिकारीगण, उन सब गांवों के आए हुए यहाँ पंच सरपंच बंधु, कैसे यह अनूठा संगम है। शुरुआत हजारों वर्ष पहले गीता के संदेश से यहाँ शुरू हुई और उस समय भगवान कृष्ण ने जो बात कही श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, ऐसा नहीं कि उसी समय के लिए वो लागू थी, अच्छी थी, उसी के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि उतनी ही आज भी गीता की शिक्षा वो प्रासंगिक है। गीता सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, शाश्वत है। तो इस गीता का जो मर्म है वो महाभारत के युद्ध में से निकला और महाभारत का युद्ध केवल थानेश्वर में कुरुक्षेत्र स्थान पर नहीं बल्कि इतने सारे क्षेत्र में जिसके आज हम प्रतिनिधि बैठे हैं। अभी तक पहले बताया गया कि 132 स्थान है जिनका सर्वेक्षण हुआ है, जहां कोई तीर्थ है, मंदिर है, कोई कहीं की घटना कहानी जुड़ी हुई है। कुछ महीने पहले ये सर्वेक्षण टीम ने और खोज निकाली तो 32 स्थान और निकले, तो उसमें से फिर बाद में जोड़ करके उसको 164 बनाया गया। कुल मिलाकर इतिहास में हमारे साहित्य में वर्णन मिलता है कि ये 327 स्थान है। अब उनसे 327 की अभी सबकी जानकारी तो नहीं, लेकिन 164 के बाद खोजते हुए सर्वेक्षण में 18 स्थान और मिल गए हैं, तो आज से ये संख्या 182 हो गई है। उन 18 स्थानों में सर्वाधिक 12 स्थान तो कैथल जिले में है, 4 स्थान जींद में है, एक कुरुक्षेत्र में करनाल, यानी इन सब नामों से कुंड वहां जो बने हैं वो भी उस समय के तीर्थ स्थल हैं। कैसा ये क्षेत्र देश और दुनिया के लिए कितना संदेश दे रहा है, कितनी सुगंधि यहां से बिखर रही है। इन्हीं 48 कोस के दायरे में 327 स्थान, 367 स्थान, जिसमें से भी कुल 182 लगभग आधे स्थानों की पहचान हुई है। गीता कोई आज का विषय नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व ये विषय शुरू हुआ। एक छोटा उत्सव यह गीता महोत्सव के नाम से चलता था। सबसे पहले तो 2002 में प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको न केवल अपने कुरुक्षेत्र तक सीमित रखा बल्कि इसको प्रदेश यानी देशव्यापी राष्ट्रव्यापी कहा कि दूसरे प्रांतों में भी इसकी छटा बिखरनी चाहिए, वहां कार्यक्रम होने चाहिए। और फिर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि अगर इसको विश्वव्यापी बनाना है तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमको एक बड़े स्वरूप के अंदर इसकी मान्यता दिलानी पड़ेगी, और जब 2014 में उन्होंने कहा, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने आते ही विचार किया कि क्यों नहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाया जाए। और 2016 से लगातार ये 8वां वर्ष है, अब इस उत्सव का स्वरूप जो है विश्वव्यापी बन गया है। आज 17 दिन हो गए, कल 18वां दिन है। योजना से 18 दिन का ये उत्सव के 18 अध्याय है, तो 18 का एक आंकड़ा लेकर के हम चले और इसको इन तीर्थों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र की ये गीता जयंती का जो स्थल है इसकी तो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हरियाणा सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बना रहा है। लेकिन जो ये अलग अलग स्थानों के तीर्थों की जो खोज हो रही है वहां के लिए कुछ किया जाए, तो 4 वर्ष पहले मैंने स्वयं एक एक जिले में जाकर के सभी 5 जिलों में 5 दिन लगाए, जो जो आवश्यकता महसूस हुई, कहीं सरोवर का पुनरुद्धार करना है,
कहीं मंदिर के अंदर कोई चीज की आवश्यकता है, कोई शेड बनाना है, कहीं शौचालय बनाने हैं, कहीं घाट बनने हैं, तो इन सब स्थानों के लिए जहां जैसी आवश्यकता थी उन योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अब मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग इन स्थानों के ऊपर अभी तक 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान तक हो चुका होगा कुरुक्षेत्र के स्थानों को छोड़कर, और उसके अंदर 50 से ऊपर स्थानों पर काम पूरे हो गए हैं, इतने ही काम अभी चालू भी हैं। तो यहां भी लोग जो तीर्थ स्थान वाले आएंगे, अक्षरधाम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, ज्ञान मंदिर है, इन सब मंदिरों की एक प्रकार से जो योजना बनी है ये अपने आप में इस तीर्थ को चार चांद लगाएगा। ये जो तीर्थ हमारा कुरुक्षेत्र थानेश्वर का है, इस संबंध में जो आप सुझाव देंगे सरकार अपनी ओर से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।